नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को इस टाइम ये की राहत की सांस दे के नहीं मिल पा रही है। विपक्ष ने भी लगातार ये की प्रयास किया कि वोटिंग में ये की धांधली हो रही है, वोटिंग का ये की परसेंटेज में ये की गणना न मिले, एक्चुअल जो है कि नंबर जो कि बताया जाए कि कितना वोट पड़ा, किस बूथ से, किस सेक्टर से, यह इस तरीके के जो कि बात जो कि कहा गया कि किस फेज में जो कि कितना जो कि वोट पड़ा है, इसका जो कि बात जो कि चुनाव आयोग जो कि बताए। लेकिन चुनाव आयोग बार बार परसेंटेज में जो कि डेटा निकाल कर सामने देता है, और इसी के खिलाफ जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जो कि आज पहुँचा, फिर आज उस पर जो कि सुनवाई की बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जो कि कर दिया कि जो कि नहीं, इस पर जो कि अभी राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव जो कि चल रहा है और कल जो है कि छठवें चरण का जो कि चुनाव है, और आज इस तरीके की राहत दिया जाएगा तो फिर चुनाव आयोग भी दिक्कत में आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग बता रहा है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत बिल्कुल सही है और वह एकदम सुरक्षित जो कि चुनाव करा रहा है। तो दोस्तों, इसमें विपक्ष को राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप समझदार हैं, आप जरूर समझिए कि इस टाइम तक जे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 40 इंटरव्यू दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं किए हैं 10 साल के अंदर, लेकिन इस बार का 2024 का चुनाव में 40 इंटरव्यू दे चुके हैं अभी तक। दोस्तों, 40 इंटरव्यू दे चुके हैं, जिसमें जो कि यह बताया गया है कि किस तरीके से इंटरव्यू माननीय नरेंद्र मोदी जी दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, लेकिन 40 इंटरव्यू जो हुआ है उसमें जो कि आप कभी तुलना कीजिए, कभी तुलनात्मक कीजिए कि विचार जो कि लाइए और उसको देखने का प्रयास कीजिए, ऐसा जो कि लगा है जैसे कि पहले से जो रैली में जो मंच से जो कि बोला गया है, जिसको पेपर न्यूज वालों ने छापा है हेडलाइन बनाकर, सेम उस अब पत्रकार साहब वही बात जे की पूछते हैं जैसे कि आम चूसने वाले जे की बात हुआ करती थी, लेकिन वह विषय जे की अलग है। इस टाइम 2024 का चुनाव है, विपक्ष को नकारा बताने से लेकर के और वोट का परसेंटेज का हिसाब लगाने तक का लेकर के सभी घोल मेल जे की बातें जे की हो रही है, लेकिन इसी बीच जी की कल इतनी बड़ी जी की राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जी की यह बताया कि आप जिस बूथ पर जी के हैं, उस बूथ पर जी की 70C जी की एक फार्म आता है, उस फार्म को जी की आप चेक कीजिए, जब वोट पड़ जाता है, वोट पड़ने के अंतिम टाइम में जब बक्सा सील की जाती है तो वह फार्म को आप देखिए, और उसमें जो है कि डिटेल मालूम चल जाएगा कि कितना जी की वोट पड़ा है, कितना महिला कितना पुरुष जे कि उस पर जे कि स्पष्ट लिखा रहता है, और उस पर्ची से, उस फार्म से आप जे कि VVPAT को मिलान करा लीजिए, और मिलान करा के अगर गड़बड़ी जे कि समझ में आती है कि इसमें गड़बड़ी हुआ है, तो तुरंत अपने पार्टी नेतृत्व को जे कि यह बात जे कि बताइए। याचिका लगाने की बात नहीं कही गई है कि आप तुरंत याचिका लगा दीजिए, तुरंत जे कि एक्शन लीजिए, अपने आप पार्टी नेतृत्व को जे कि बताइए। भाजपा को दिक्कत है, वह जे कि JP नड्डा को बताएंगे, और जे कि राहुल गांधी में जे की दिक्कत है तो फिर जे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बताएंगे, तो अपने पार्टी नेतृत्व को जे कि बताएं। अब पार्टी नेतृत्व कैसे जे कि उस पर विचार करती है, जे कि इस पर जे कि कार्रवाई करेगी, इस पर जे कि आगे जे कि एक्शन लिया जाएगा, तो आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे इस बात को समझ में नहीं आ रहा है कि जब बार बार लोग डिटेल जे कि चुनाव आयोग से मांगते रहें, तो फिर जे कि इसमें जे कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर यह बात कैसे जे कि बता दिया कि इसका सोल्यूशन ये है। हो भी सकता है कि इसमें बहुत बड़ा राज हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता है और चुनाव आयोग बताना नहीं चाहता है, चुनाव आयोग कभी भी परसेंटेज में इस बात को बताता है, तो इस मामला को, इस गणित को समझ कर काम करना ही उचित है। और जो कि आप जहाँ भी कहीं से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बातें समझ में आएगी तब, बात नहीं समझ में आती तो खैर उसकी बात ही अलग है, लेकिन बात समझ में आ रही है
तो लाइक शेयर सपोर्ट जरूर कीजिए। बाकी धन्यवाद।